एक खिलाड़ी आज हमारे बीच में है, कुछ यहां है कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को यहां मौजूद है उनको भी और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान देश करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे इन जवानों का, देश की युवा पीढ़ी का गौरव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। एथलीट्स ने विशेष तौर पर हम ये गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने हमारा दिल ही नहीं जीता है, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को भी, भारत की युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है, अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। आजादी के 75वें दिवस, स्वतंत्रता के दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि है। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रगति पथ पर बढ़ रहे हमारे देश के सामने और विश्व में पूरी मानव जात के सामने कोरोना का ये कालखंड बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया है। भारतवासियों ने बहुत संयम, बहुत धैर्य इसके साथ इस लड़ाई को लड़ा भी है। इस लड़ाई में हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी, लेकिन हर क्षेत्र में हम देशवासियों ने असाधारण गति से काम किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए आज किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना पड़ा। आप कल्पना कीजिए, पल भर सोचिए, अगर भारत के पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता? पोलियो की वैक्सीन पाने में हमारे कितने साल बीत गए थे। इतने बड़े संकट में जब पूरी दुनिया में महामारी हो, तब हमें वैक्सीन कैसे मिलता? लेकिन भारत को शायद मिलता कि नहीं मिलता और कब मिलता, लेकिन आज गौरव से कह सकते हैं
कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। चौपन करोड़ से लोग, 54 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन डोज लगा चुके हैं। कोविन जैसी ऑनलाइन व्यवस्था, डिजिटल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। महामारी के समय भारत जिस तरह से 80 करोड़ देशवासियों को महीनों तक लगातार मुफ्त अनाज देकर के उनके घरी